ताड़ोबा सफारी के लिए देश और दुनिया से पर्यटक आते हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक पर्यटक का संतुलन बिगड़ने पर वो जिप्सी से नीचे गिर गया। सौभाग्यवश बहुत बड़ी अनहोनी टली। वहीं इस प्रकार की घटना को लेकर वन मंत्री ने नागरिकों से आवाहन करते हुए क्या कहा, देखिए इस खबर में। ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान में आने वाले पर्यटकों ने जिप्सी से नीचे नहीं उतरे और उनके प्राणों को वन्य जीवों से धोखा हो ऐसी पद्धति से भी न बैठे, ऐसा आह्वान वन मंत्री सुधीर मुंगंटीवार ने किया है। गौरतलब है हाल ही में एक पर्यटक जिप्सी से नीचे गिर गया था और उसके कुछ ही सामने बाघ मौजूद था। सौभाग्यवश किसी प्रकार की अनुचित घटना नहीं घटी, मगर भविष्य में ऐसी घटना हो सकती है और इस संदर्भ में क्या कर सकते हैं, इसका अहवाल तैयार करने का आदेश वन अधिकारियों को वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने दिया है। तो सुनिए इस संदर्भ में उन्होंने क्या कहा। सिटी ग्लॅमर विशेष प्रतिनिधि वैभव गारकर की रिपोर्ट। या दृष्टीने जिप्सी मध्ये बसणाऱ्या प्रवाशांना सुद्धा आता यापुढे आवाहन आहे की त्यांनी खालती उतरू नये किंवा अशा पद्धतीने बसू नये की ज्या माध्यमातून कधी कधी धोका होण्याची शक्यता आहे। अचानक वाघ आला या अगोदर सुदैवानी कोणतीही घटना झाली नाही, पण भविष्याच्या दृष्टीने या संदर्भात आमच्या विभागाला अभ्यास करून एक अहवाल द्यायला आम्ही सांगितलं आहे। तो अहवाल आल्यानंतर त्यावर निर्णय करणं सोपं आहे।